नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज पर। अजय देवगन एक ऐसे सुपरस्टार बन चुके हैं अब, जिनके बारे में जितनी भी बात कही जाए वो सारी बात कम हो जाती। एक बार कहा गया इनके बारे में कि ठीक है, अच्छी फिल्में दे रहे हैं, लेकिन जब जब इनकी जोड़ी बनती है इनके फेवरेट डायरेक्टर के साथ, तभी इनकी फिल्में एक बॉक्स ऑफिस को जो है ब्लास्ट करती हैं, वरना इनकी फिल्में जो हैं 70-80-90-100 करोड़ आते आते तक दम तोड़ देती हैं। इस बात को भी झूठा साबित करने के लिए अजय देवगन ने एक फिल्म कर डाली जिसका नाम था तानाजी। इनके फेवरेट डायरेक्टर इस फिल्म में नहीं थे, लेकिन ये फिल्म ऐसी छाई बॉक्स ऑफिस के ऊपर कि इस समय भी सिनेमा घरों में शानदार प्रदर्शन कर, कहीं से भी इस फिल्म को ठंडा पड़ते हम नहीं देख रहे हैं। मेरे ख्याल से एक और बात आपको देखने मिलेगी कि बहुत दिनों के बाद हिंदी की कोई ऐसी फिल्म आपको देखने मिलेगी बॉलीवुड की जो कि सिल्वर जुबली मनानी जाएगी, क्योंकि फिल्में कमाती बहुत है लेकिन लॉन्गिविटी जो होती है थिएटर के अंदर वो बहुत कम होती है, और अजय देवगन की ये फिल्म जो है सिल्वर जुबली अवश्य मनाएगी। अब रिपोर्ट्स के अनुसार जो है बीते शुक्रवार यानी अभी से सिर्फ 2-3 दिन पहले फिल्म ने 10 से 12 करोड़ रुपए कमाई की और इस समय ऑलमोस्ट 270 करोड़ की कमाई कर चुकी है। एग्जैक्ट फिगर अगर मैं बोलूं तो ये 267.50 यानी 267.50 करोड़ रुपए कमा चुके, लेकिन इसके बाद भी जो है इस समय ये फिल्म रुकने का नाम नहीं ले। अजय देवगन की सबसे कामयाब फिल्म तो है ही है, लेकिन हिंदी सिनेमा की भी 12वीं सबसे कामयाब फिल्म बन गई है, यानी टॉप डजन फिल्म जो है हिंदी फिल्मों की उनमें इसका नाम शुमार हो गया है। अब कबीर सिंह का जो एक फिगर है 278 करोड़ का, उसको जल्द ही तोड़ करके मेरे ख्याल से ये 11वें स्थान पर आ जाएंगी, और वो भी मेरे ख्याल से इस वीक में ख़त्म हो जाना चाहिए रिकॉर्ड। लेकिन पूरे फरवरी के माह में जिस तरह से उसने बॉक्स ऑफिस को हिला रखा, और मार्च में भी जिस तरह से घुसे चले आ रही है ये टॉप के लिस्ट में, मेरे ख्याल से ये कुछ अगर नहीं भी कहें ये अजय देवगन की लोकप्रियता का सबसे अच्छा सबूत है। इस समय अब आवश्यकता है अजय देवगन को कि वो अपने आप को और जितना सॉलिडिफाई कर सकते हैं बॉक्स ऑफिस के ऊपर उतना करते चले, बाकी हमारा प्यार तो उनके साथ है ही। मिलता हूँ बहुत छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। धन्यवाद।